इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेलो हेल्थ कैफे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक मुलाकात। दोस्तों, एक मुलाकात में हम अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग विधाओं की चुनिंदा हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं और उनके जीवन, उनके अनुभव और उनके काम के बारे में दिलचस्प बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वीरेंद्र मधुर, जो हरियाणा की जमीन से जुड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं। अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से पूरे देश में अपना नाम कमा चुके हैं, एक खास रुतबा, खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। वीरेंद्र जी के 9 काव्य संग्रह अभी तक छप चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मंच के कवि माने जाते हैं और कवि सम्मेलनों की जान कहे जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अविनाश जी। मधुर जी, कहा जाता है कि हर इंसान में कवि छिपा होता है। शायद ही कोई इंसान हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई कविता, कोई शेर, कोई गजल ना लिखी हो। कोई खास लम्हा, कोई खास मौका आता है जब हर इंसान के मन में कविता हिलोरे मारने लगती है, फिर भी सब कवि नहीं बन पाते। आप जैसे विरले ही हैं जो इस मुकाम को हासिल करते हैं कि लोग अपनी अभिव्यक्ति को आपके शब्दों में, आपकी कविताओं में देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो यही है कि आपके लेखन की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई? प्रश्न बड़ा है और उत्तर बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि प्रश्न बड़ा होने से, विराट रूप होने से, जब उसके प्रश्न के उत्तर हम खोजने चलते हैं तो वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं जी। ऐसे ही यात्रा रही कविता तक पहुंचने की। मेरी अर्धांगिनी का नाम भी कविता ही है। क्या बात है। और तो आप तो कविता के साथ जीते हैं जी। बहुत शुक्रिया। कविता के साथ रहते हैं। और जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी रहा, पूर्वी बेसिक पाठशाला का मैं विद्यार्थी था, और वहाँ जो उस विद्यालय में हमारे प्राध्यापक अध्यापक होते थे, पंडित कांचीराम जी थे, वो हमें गणित पढ़ाते थे। मोहम्मद इकबाल थे वहाँ पर जी। और ड्राइंग पेंटिंग का ऐसी विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति मैंने जीवन में अभी तक नहीं देखा। उनकी ड्राइंग पेंटिंग स्कूल की दीवारों पर अंकित की जाती थी। बड़े बड़े पुरस्कार उनको जिला स्तर पर मिलते रहते थे। ऐसे ही मैं अपनी कक्षा में कोई गीत गुनगुना रहा था और गीत के शब्द थे, सावन का महीना पवन करे शोर। क्या इकबाल जी वहां से गुजर रहे थे, हमारे आदरणीय, उनको मेरी आवाज सुनाई पड़ी, मधुर लगी। छुट्टी का समय था उस समय, जो आधी छुट्टी उसको हम बोलते थे, वो मस्ती के दिन थे। इकबाल जी ने कक्ष में प्रवेश किया, कहने लगा, वीरेंद्र इधर आओ। उन्होंने मुझे सहज रूप से बुलाया और कहा, कहने कि जो गुनगुना रहे थे आप वो फिर गुनगुनाओ। मुझे डर लगा कि कहीं पिटाई ना हो जाए, उन दिनों पिटाई बहुत अच्छी होती थी, और यूं कहिए कि ठुकाई भी बहुत अच्छी होती थी, और हम पिटे भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, हरकत होती थी बचपन में जी जी, उद्दंडता रहती है दिमाग में, दिल में, खेलकूद में ज्यादा ध्यान रहते थे, लेकिन शिक्षकों का रुझान विद्यार्थी की पढ़ाई और उसकी गतिविधियों पर ज्यादा रहता था। मेन बात यह है कि आदरणीय इकबाल ने कहा कि ये गीत हम आपसे पूरा सुनेंगे। उन दिनों जिला स्तर पर कोई प्रतियोगिता होनी थी जी। कक्षा 5 के बच्चों की, हमें SD इंटर कॉलेज वहां पर होता था, मैं मूल रूप से
मुजफ्फरनगर मेरा बर्थ है जी जी, और शहर के भीतर ही हम खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं। शिव की एक प्रतिमा है वहाँ पर, जो जागृत हुई प्रतिमा है, और उसी के इर्द गिर्द मेरा सारा बचपन गुजरा है। कांवड़िए वहाँ पे कांवड़ भी चढ़ाते रहे हैं, और एक विहंगम दृश्य हमने कांवड़ का वहाँ देखा। ये मैं इतनी बातें बीच बीच में ऐसे दे रहा हूँ अविनाश जी, जी, कि बच्चा बड़ा होता है या पौध को हम लगाते हैं तो बीज को रोपते हैं तो वो पौध में आता है, पौध से वो वृक्ष कैसे बनता है, और अभी हमें वृक्ष बनने की अभी प्रतीक्षा है, अभी हम वृक्ष में नहीं आए, अभी हम पौध समझते हैं अपने आप को। ये तो आपका बड़प्पन है, बहुत धन्यवाद। हम पौध समझते हैं जी, ना हम पेड़ बने हैं अभी तक। पेड़ होते तो शायद कट जाते, वृक्ष होते तो झुक जाते। अभी उन दो प्रक्रियाओं से हमें गुजरना है। बहुत खूबसूरत। अभी पौध का सौंदर्य है, पौध में एक अपनी एक ललक होती है। पौध को जब सौंदर्य हम उसका देखते हैं तो उसको देखते ही रह जाते हैं। तो वहाँ वो कंपटीशन, वो एक प्रतियोगिता आयोजित हुई। मोहम्मद इकबाल जी हमें बतौर तैयारी के साथ में वहाँ पर लेकर के गए। हमें धोती कुर्ता पहनाया गया, मुंडासा हमारे सिर पे लगाया गया, जिस तरह का मेकअप हुआ करता था वो मेकअप भी हमारा किया गया। हमें नहीं पता कि वो हमें सजा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अबोधता में कुछ पता नहीं होता। जब कुम्हार की मिट्टी तैयार होती है, बर्तन तैयार करता है, उस मिट्टी को ज्ञान नहीं होता कि तू क्या बनने जा रहा है, लेकिन वो मिट्टी वहाँ से चल करके रोहतक हरियाणा में आ करके अपने इस रूप में आई, उस रूप में आई जो उन्होंने गढ़ा। ईश्वर की कृपा ये रही कि हमें जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और आदरणीय द्वारिका प्रसाद जी वहां पे डीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने हाथों से वो पहला पुरस्कार 1968 में आपके इस वीरेंद्र मधुर को दिया। क्या? वहां से थी कला की शुरुआत, कविता की नहीं, कला की शुरुआत। धीरे धीरे शनै शनै चलते रहे हम, फिर आगे हम सिक्स्थ क्लास में, पहली कविता कभी सिक्स्थ क्लास में। ये एक प्रकरण है, और मैं उस प्रकरण को आज दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि अविनाश जैसे बुद्धिजीवी या अविनाश जैसे ज्ञाता कभी कभी पकड़ में आते हैं, तो क्यों ना इनका थोड़ा सा मुझे भी आनंद जिसका आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन। तो ये छठी क्लास से आठवीं क्लास तक मुझे मरहूम हास कवि भोंपू जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन दिनों वो वहां पे संस्कृत के प्राध्यापक थे। अच्छा। उन्होंने हमें अंताक्षरी और भिन्न प्रकार के ड्रामा में, अंताक्षरी में भिन्न तरह के कार्यक्रमों में उन्होंने हमें शामिल किया, यहाँ तक कि जो हमारा राष्ट्रगीत है जन गण मन अधिनायक, उसमें भी हमें उन्होंने प्रथम स्थान दिलाने में अपनी कोर कसर नहीं छोड़ी। और 6, 7, 8 कक्षा तक आपके वीरेंद्र मधुर ने हैट्रिक, जिसको कहते हैं, लगातार जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 में आए तो हमारे कुछ मित्र जुड़ गए उसमें, मित्र जुड़ के तो कक्षा 11वां में आते ही, 12वां में आते ही वीणा पाणी पत्रिका का हमें संपादन सौंप दिया गया, कॉलेज स्तर की जो पत्रिका, उसका संपादन सौंप दिया। तो हमारे कुछ मित्र, साहित्यिक मित्र जुड़ने चालू हो गए। उन दिनों हम 10वीं से लेकर के छोटी छोटी गोष्ठियों में जाना चालू कर दिया था हमने। तो उन दिनों काका हाथरसी, बालकवि बैरागी, इस तरह की हस्तियों को हम सुना करते थे, देखा करते थे। तो वो बात रही हमारी चलते 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 चलते, फिर मुझे एक बारी गोवा जाने का मौका मिल गया। मेरे बड़े भाई वहां पर इंजीनियर थे माइंस में, तो वो अपने साथ मुझे ले गए, तो मुझे गोवा जाने का मौका मिल गया। अविनाश जी, मैं इतनी बातें बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, लेकिन बहुत लंबी कहानी है जी। तो मुझे वहां समुद्र किनारे जाने का मौका मिला, तो मैंने समुद्र के किनारे पर बैठ करके ये सोचा कि समुद्र तू इतना परेशान क्यों है। उन दिनों जब मैं स्टूडेंट था, 11वीं और 12वीं कक्षा, समुद्र से साक्षात्कार होता रहा, समुद्र से बातें होती रही,
और वहां जाकर के कुछ पंक्तियां अपने आप ही निकलनी चालू होगी, वैसी बातचीत के माध्यम से। समुद्र की व्यथा जो है, समुद्र की व्यथा वहां से हिलोरे लेने लगी मेरे अंदर। जी, मेरे अंदर मतलब समुद्र आपके अंदर उतर गया, उतर गया, वहां उतरा। क्या बात। उन दिनों बहुत चर्चा में कवि सम्मेलन थे और पर्दे फाड़ फाड़ के लोग बार उनको देखा करते थे कि ये कवि आया है यहाँ पे, ये नीरज जी आए हैं, इनको देखना है, हमें माया गोविंद आई है देखना है, देखना है। अली सरदार जाफरी आए हैं देखना है, हरिवंश राय बच्चन आ रहे हैं उनको देखना है। तो हम देखने की इच्छा से हम पर्दे में से झांका करते थे और पुलिस वाले हमें पीटा करते थे। मतलब आप कवि के पास जाना नहीं मिलता था, आम आदमी नहीं मिल सकता था उनसे, इतनी सिक्योरिटी थी साहब। मतलब बड़े साहित्यिक माहौल में आप पले बड़े, पले बड़े बहुत गुणी लोगों के। तो एक गीत वहां से जन्म लिया कि झुके झुके नैनों में प्यार बहुत है, और वो गीत पूरा हो गया। झुके झुके नैनों से प्यार बहुत है, आदमी की जिंदगी में खार बहुत है। क्या वो वहां से जुड़ करके फिर ये गीत की प्रथा आगे प्रारंभ हो गई। फिर हमारे मित्र मिलते चले गए, बहुत सारे मित्र मिले, और चलते चलते हमने हजारों की संख्या में गोष्ठियां पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गांव, एक एक शहर में जाकर के हमने अपने आप के कविता पाठ किए। उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी, और इसमें अहम योगदान रहा हास कवि भोंपू जी का। उनका सत्यदेव शास्त्री नाम था जी। लेकिन भोंपू नाम उनका रखा गया। जी अविनाश जी, हाँ, तो ये यात्रा का ये यात्रा, प्रसंग था। नहीं नहीं बिल्कुल। तो एक तो आपने बताया कि बचपन में आप थोड़े से क्या कहें, नौटी किस्म के थे, पिटाई बहुत होती थी, तो क्या कविता के नाम पर भी कभी पिटे क्या? नहीं, हमारे फादर लेक्चरर थे, अंग्रेजी के लेक्चरर थे वो, और डबल एमए थे और व्यवसायी थे और काश्तकार थे और पॉलिटिशियन थे। एक व्यक्ति में इतने गुण पहली बार मैंने देखा है। तो उन्होंने क्या किया, वो रामलीला के निर्देशक बने 1972 में, 1972 में उन्होंने मुझे मंच पर उतारा। अच्छा। और उन्होंने मेरे से कुछ गीत फिल्मी जो उन दिनों चला करते थे वो गीत वहां पे सुनने उन्होंने प्रारंभ किए, और धीरे धीरे हम 10वीं कक्षा तक 12वीं कक्षा तक जब आए तो हम फिर कवि सम्मेलन के मंच पर आ गए। ये वीरेंद्र कुमार या वीरेंद्र सिंह? नहीं, वीरेंद्र मधुर कब बने? वीरेंद्र कुमार शर्मा जी मेरा नाम है जी, और एक हरिराम चमचा हमारे मित्र हुआ करते थे, उनको जहर दे करके कुछ लोगों ने मार दिया था। वो एक्सरे टेक्नीशियन हुआ करते थे जी, जी। तो हरिराम चमचा कहने लगे, भाई आज से हमने तेरा नाम मधुर रख दिया, यू आर मेलोडियस पर्सन, आप बहुत मधुर गाते हैं। जी, जी, जी। ईश्वर की कृपा से कंठ दिया था। तो हरिराम चमचा, स्वर्गीय हरिराम चमचा, जो हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे उन दिनों, उन्होंने ये नाम मुझे दिया। आपके सफर की अगर बात करें, हाँ जी, वापिस वहीं आते हैं जी, कि आपने कविता पढ़नी बहुत पहले शुरू कर दी, लिखनी शुरू की जब आपका समुद्र से साक्षात्कार हुआ जी, जी। लेकिन आपकी कविता को प्रतिष्ठा कब मिली? मेरी कविता को प्रतिष्ठा मिली थी प्रथम बार 1977 में जी। 1977 में जब मैंने प्लस टू पास किया तो वहाँ महानगर पालिका का एक कार्यक्रम होता था नुमाइश में, कवि सम्मेलन, और उसमें राष्ट्र के बड़े बड़े रचनाकार उसमें आते थे, आदरणीय संतोषानंद उसमें आते थे, अशोक चक्रधर, शरद जोशी उसमें आते थे। शरद जोशी को हमने बहुत लाइव सुना, बहुत सुना, केपी सक्सेना, शरद जोशी, इतने अच्छे व्यंग्यकारों को बहुत सुना हमने। तो वहाँ मैंने एक गीत पढ़ा साहब, वो मेरा पहला गीत था जी। वो मैं आपको उसकी, देखिए उस समय का, उस पीरियड का वो गीत मैं चाहूँ तो आज नहीं लिख सकता, नहीं लिखा जाता मुझसे, सुने आप, वो एक श्रृंगारिक गीत है। जब पीऊं पीऊं गाए रे, बागों में कोयल कुहकाए रे,
जब पीहूँ पीहूँ गाय रे, बागों में कोयल कुहकाए रे, तब याद आए मेरे बालम परदेश गए नहीं आए रे। जब पीहूँ पीहूँ गाय रे, बागों में कोयल कुहकाए रे, असुवन से भीगी चुनरिया कब आओगे सांवरिया, अधूरों का पनघट प्यासा, अब तो पनघट नहीं है कि अधूरों का पनघट प्यासा, ताने मारे है गगरिया, कलिया जब चटके चमन में एक हुक सी उठती मन में, भटकू में पतझर सखियां झूले सावन में, भटकू में पतझर सखियां झूले सावन में, पीड़ा की रजनी गंधा अरे महक महक महकाए रे। जब पीऊँ पीऊँ गाय रे, बागों में कोयल कुहकाए रे। ये एक उस समय का पहला गीत था हमारा। आपने कहा आपकी पत्नी का नाम कविता है, तो बात ये थी कि आप कविता लिखते हैं, कविता को जीते हैं, कविता के साथ रहते हैं, तो क्या इस कविता का और उस कविता का कभी टकराव हुआ क्या? नहीं, वो मेरी जीत है। कैसे आपने? वो मेरी जीत है इसमें बैलेंस पर। वो मेरी जीत है। और उन्होंने, हालांकि कई लोग पत्नियों की बहुत सी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि कोई सौंदर्य बखान करना चाहिए किसी चीज़ का, यदि किसी के बारे में आप कहना चाहते हैं, तो उसको कहने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पत्नी वास्तव में मेरी बहुत विलक्षण है, बुद्धिजीवी है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और कॉपरेटेड हैं। एक कॉपरेटेड शब्द मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। बहुत मेरी एक एक पंक्ति की वो साक्षी है। और मेरा प्रथम श्रोता जब से मेरी शादी हुई है, 1982 में मेरा विवाह हुआ था जी, तो तब से वो आज तक मेरी एक एक पंक्ति की साक्षी हैं, एक एक पंक्ति की। और पहला श्रोता मेरी पत्नी है। क्या बात है, ये तो खुशकिस्मती है आपकी सच। और लोगों को, कईयों को जिलेसी भी होती है कि यार आप लोग ऐसे मिल के रहते हो कि जिसमें दूध और पानी का कोई पता ही नहीं लगता कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। मैंने कहा तो ये यही तो गृहस्थी तो यही है जी। आज के माहौल में अविनाश जी, कवि बहुत कुछ सोचता है। कवि ये सोचता है कि जो विडम्बना है, जो विद्रूपता है समाज की, या जो आजकल ये सत्ता और शासन का खेल चल रहा है, ये जो घिनौनी राजनीति चल रही है, ये जो लोग एक दूसरे को चमकाने में लगे हैं बूट पॉलिश की तरह, लेकिन पुराने जूतों पे यदि आप पॉलिश लगा देंगे तो जूते पुराने ही दिखाई देंगे, नए नहीं दिखाई देंगे वो आपको। तो लेकिन पॉलिशिंग में लगे हुए हैं लोग बाग, चमचागिरी में लगे हुए हैं लोग बाग, तो उनसे हट करके कवि का अपना एक अपना महत्व अलग है। हम पकड़ लोग हैं साहब, हमारे पास फकीरी है और वो फकीरी है हमारी कविताएं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें, जो बात आपने कही है मैं इसे जोड़ रहा हूँ जी, हालांकि ये मेरा सवाल था और थोड़े बाद का सवाल था जी, लेकिन क्योंकि बात शुरू हुई तो मेरा मन किया कि मैं अभी उसको आपके सामने रख दूँ। ये जो राजनीति है, ये मुझे लगता है कि इन दिनों कविता में भी घुस गई है। और अभी की जो कविता है, एक ख़ास तरह की कविता है, मुद्दों की कविता नहीं रह गई है, उसमें आपके समाज की बात नहीं होती, व्यक्ति विशेष कविता हो गई है, व्यक्ति के विरोध की कविता है कि सामने वाला दुश्मन है उसको गालियां देनी है, और व्यक्ति के पक्ष की कविता हो गई है, और उसमें हम इसको ये कहें कि चाटुकारिता के हद तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो कविता है, ये क्या कविता है? देखिए अविनाश जी, आप एक स्वयं एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं आप, और मुझे आपकी बहुत सी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और एक कवि हृदय जब दूसरे हृदय से बात करता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ये है कि उसके कहीं प्रश्न, उसकी कहीं प्यास में कहीं अधूरापन है।
जिसे हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, मैं नहीं, हम चाहते जी। तो बात यह है कि जब हम कविता के पक्ष पे या उसके पटल पर बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले चिंता मेरी युवा पीढ़ी की होती है। वही चिंता सबसे बड़ी है। हाँ, जब हम पेड़ बनेंगे, मैंने पेड़ की बात करी थी आपसे जी, जब हम पेड़ बनेंगे तो जो पीछे पौध आएंगी जी, वो कैसी आएंगी, कैसी आएंगी, उसमें कहीं पौध में विकलांगता ना हो, उस उनमें कहीं अस्वस्थ का कहीं नाम निशान ना हो, उनमें कोई इस तरह का संतरास पैदा ना हो कि वो फूलित और फलित नहीं हो सकती है। तो हमें ये चिंता है कि उस पीढ़ी का क्या करें, कैसे करें, ये वीरेंद्र मधुर की चिंता है। बिल्कुल सही। दुनिया के कवियों की चिंता हो सकती है, लेकिन ये वीरेंद्र मधुर की इस हरियाणा की धरती में और इस रोहतक में जी, आज अविनाश के सामने बैठ करके ये बात पहली बार बोल रहा हूं कि ये वीरेंद्र मधुर की चिंता है और रहेगी। बहुत ही वाजिब चिंता है और ये दिल से निकली हुई बात है। मैं ये चाहता हूं कि जो आने वाला कल है वो पता नहीं कितने वीरेंद्र मधुर को पैदा करे, पता नहीं कितने नीरज पैदा हों, पता नहीं कितने संतोषानंद पैदा हों। मैं चाहता हूं कि उस तरीके के कवि समाज को आए। बिल्कुल। जो समाज को कुछ देने की कोशिश करें। दे तो हम भी कुछ नहीं रहे। नहीं, बहुत कुछ दे रहे हैं। दे तो हम भी कुछ नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप कवि हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गा लेते हो। यार ये गाने का मतलब ये है कि हम कविता तो करते ही नहीं। प्रश्न है, समाज के प्रश्न है जी। और कहने का इस स्वतंत्रता में एक ही तो अधिकार है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। जो हमने स्वतंत्रता को आइसक्रीम की तरह चाटा है, चाट रहे हैं, खा रहे हैं, जो गालों में अपने भर रहे हैं उसको, लेकिन इसको पचाओ तो सही बात है, आपका डाइजेशन तो खराब हो रहा है। तो हम ऐसी पौष्टिक रचनाएं जिससे समाज का पाचन तंत्र ठीक रहे, ऐसी रचनाएं देनी चाहिए हमें। नाच तो मैं भी लूंगा, कूद में भी लूंगा, गा में भी लूंगा, लेकिन मैं रचना नहीं कह सकता। रचना। और यही मैंने कहा कि कवि प्राकृतिक होता है, बनाया नहीं जाता वो। उसको यदि आप कहो ना कि भाई मैंने कवि को बनाना है जी, आप बना नहीं सकते कवि को। हाँ, जो उसके सिम्टम है, जो उसके गुण है, उन गुणों को आप तराश जरूर सकते, रास्ता जरूर पकड़ा सकते, माहौल दे सकते, माहौल दे सकते, माहौल दे सकते। एक आदमी लालटेन लेके चल रहा था, ऐसे ऐसे अकेला जा रहा चला हुआ, अविनाश जी मिल गए रस्ते में, कहने लगे भाई मधुर जी कहाँ लालटेन लेके जा रहे हो। मैंने कहा यार मुझे मूड आया मेरा कि हो सकता है कि राह में कोई जीव जंतु मिल जाए तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। कहने लगे भाई मैं तो साक्षात आपके सामने मानव रूप में हूँ, आपको मैं नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा भाई रोशनी में आपने मुझे देखा या आपने रोशनी में मुझे देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क यह है कि रोशनी कैसे हुई, रोशनी कैसे हुई, वो लालटेन ज्यादा, वो लालटेन इंपोर्टेंस है, हमारे बीच में जो उजाला है वो इंपोर्टेंस रखता है जी। तो इस तरह की बातों में चलते चलते मैंने एक बचपन में गीत लिख दिया था जी। वो बचपन का गीत, उसी दौरान का गीत है वो, प्लस टू के आसपास की जब बातें थी वो जी। तो ऐसे ही हम किलम काटी खींच खींच के वो लाइनें बना बना करके छुपाया करते थे कागज में, ईंट के पीछे, गीत चल गढ़ली तो गीत चल के ऊपर। गीत चल एक ऐसी चीज होती थी कि जो हम जैसे कुल्लड़ है या कुलिया है या और मटके हैं, उसकी चीज टूट जाती थी तो घड़ा करते थे, उसको गोलाई उसको रूप दिया करते, मूर्ति रूप दिया करते थे, तो उसको हम गिच्चल बोलते थे, शब्द गिच्चल वर्ड था। तो आज के टाइम पे तो ना ये शब्द है, शब्द नहीं ना है, वो चीजें हैं, तो नहीं नहीं तो, और ना वो खेल है आज की पीढ़ी के पास। मैं, हाँ, मैं खेल नहीं है, तो मैंने वो खेल शब्द पे वो बचपन का गीत दिया जी। बहुत छोटा सा गीत है, मैं अपने दर्शकों को भी इससे थोड़ा सा रूबरू करना चाहूंगा कि जो मेरे प्रिय गीत है मैं उसको देना चाहता हूँ। देखिए आप, कहाँ से लाऊं बचपन अपना, कहाँ से लाऊं हंसी पुरानी,
कहाँ से लाऊं बचपन अपना, कहाँ से लाऊं हंसी पुरानी, सपन हो गई है अल्हड़ता, सपन हो गई है अल्हड़ता, बहुत उदास हुई शैतानी, कहाँ से लाऊं बचपन अपना, कहाँ से लाऊं हंसी पुरानी। हम वक्त जब करते हैं जो वो चीज हमारे पास नहीं होती, नहीं होती, तब जब हमारे पास माँ नहीं होती, हमें माँ की वक्त पता लगती है। जब हमारे पास पिता नहीं होता तब पिता की वक्त लगती है। जब हमारे पास गुरु नहीं होते तो गुरु की वक्त पैदा करती है। जब दोस्त नहीं होते तो दोस्तों की वक्त का पता चलता है। जब वीरेंद्र मधुर नहीं होंगे तब वीरेंद्र मधुर की शायद हो सकता है कि मैं इस बात को अतिशोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि इन गीतों की कहीं ना कहीं वक्त जरूर रहेगी। लेकिन ये गीत जो आपके हैं ये आज भी एक नई ताजगी, नई ऊर्जा, एक नया हौसला देते हैं। तो 45 साल पुराने गीत हैं ये, तो उस समय के हौसला गीत है। तो कहां से लाऊं कि ऐसी डुबकी किल किल कांटी, क्या बात है, ऐसी डुबकी, शिल्प देखो आप जी, ऐसी डुबकी, मैं युवा पीढ़ी को भी ये शिल्प परोस रहा हूँ जी, बिल्कुल, ऐसी डुबकी किल किल कांटी, सिर्फ व्यस्तता की परिपाटी, क्या बात है, अब तो सांसें ऐसी लगती जैसे हो अंधे की लाठी, रोज मुकादर की छलनी से, रोज मुकादर की छलनी से हमने धूल उड़ाई छानी, कहाँ से लाऊं बहुत खूबसूरत बचपन अपना, कहाँ से लाऊं हंसी पुरानी।